हेलो फ्रेंड, देखिए अब ये आपके पास क्या बना है। पहले तो स्वागत तो कर दूं यार। देखिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एटीपी बैलेंस रेट इन ग्लाइकोलिसिस। अब क्या है भाई ये, देखिए आपने ग्लाइकोलिसिस में इतना मेहनत किया, इतना मतलब परिश्रम किया, तो आपको मतलब क्या फायदा हुआ, वही हम इसको देखेंगे। तो जिसको फायदा यहाँ पर देखना है वो रुके, और सब यार सब लोग रुको, सबको फायदा मतलब जानना चाहिए। तो देखिए क्या है एटीपी बैलेंस रेट इन ग्लाइकोलिसिस, अपनी ओरिजिनल आवाज में आते हैं। देखिए एटीपी बैलेंस शीट इन ग्लाइकोलिसिस में अगर मैं देखूं तो उसमें करना क्या है कि आपको मतलब पता करना है कि हाँ हमने कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ एक्चुअल। तो सबसे पहले होता क्या है कि इनडायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन देखते हैं। तो याद करिए, जब ग्लाइसरिल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को आपने कन्वर्ट किया था ग्लाइसरिक एसिड में, तो वहां पर हुआ क्या था कि 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि 2 ग्लाइसरिल एल्डिहाइड फॉस्फेट है, तो वहां पर 2-6 ATP का फॉर्मेशन हुआ था। और एक और याद करिए, ठीक है ये पहला लिखो यार, एक और याद करिए, जब इन्वेस्टमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट कब हुआ था कि आपने जब जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1.1.6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, तो होता क्या है कि फ्रक्टोज 1.6 फॉस्फेट में आपने जब कन्वर्ट किया, तो भाई बहनों यहाँ पर भी आपने एक ATP का निकाला था, यहाँ पर भी आपने एक ATP को निकाल दिया। तो टोटल ATP निकली कितनी, तो 2 ATP निकल गई। और ये आपको मतलब 2 ATP निकल गई तो ये यूज हुई, तो ये इन्वेस्टमेंट फेज में आपने पढ़ रखा है। अब आगे चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन और डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन में क्या अंतर है। ATP फॉर्म कहाँ पर है, देखो दूसरी बात, पहले तो हमने देख एटीपी फॉर्म कहाँ पे थी, दूसरी बात हम करते हैं एटीपी फॉर्मेशन। अभी पूरा चार्ट आपके लिए बना देंगे। अब देखिए दूसरा बात, दूसरी बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपने आपके पास थी क्या, आपने क्या किया था कि ग्लाइसरेल अल्डिहाइड फॉस्फेट को, ठीक है ग्लाइसरेल अल्डिहाइड फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया था ग्लाइसरिक एसिड में। क्या किया था, ग्लाइसरिल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया था ग्लाइसरिक एसिड में। तो कन्वर्ट किया कैसे था, आपने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया था, तो ऑक्सीडाइज किया था तो ध्यान दीजिए, वहां पर ऑक्सीडाइज किया था इसे, ये ग्लाइसरिल एल्डिहाइड है, ऐसे मैंने लिख दिया कि ग्लाइसरिल एल्डिहाइड और फॉस्फेट, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया था तो ग्लाइसरिक एसिड बन गया था। अब ग्लाइसरिक एसिड जब बना था, तो आप याद कीजिए कि कोई भी अगर मतलब अल्डिहाइड है, तो अगर आप उसको क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, तो बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइसरिक एसिड में, ठीक है। अब जब ये कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपने ऑक्सीडाइज करना, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन को आप जब रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, NAD+। तो यहाँ पर NAD+ ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को, और फॉर्मेशन किसका हुआ, NADH+, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको तो एटीपी जाननी है। देखिए अगर आपको एटीपी का फॉर्मेशन करना है, तो आप ये तो जानते हैं डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, एक होता है इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, डायरेक्ट एटीपी इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन क्या है। देखिए डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट एटीपी बना रहे हैं, तो यानी जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड लिख दिया एक और दूसरा कंपाउंड लिख दिया, तो यहाँ मैंने कहा कि यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है इसे, तब तो ये हुआ डायरेक्ट एटीपी, कि आपको एटीपी यहाँ से तुरंत मिल गई, तो ये डायरेक्ट एटीपी हो गई। अब यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि आपको याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि NADH+ H+ जो है, ये जो है इससे आप क्या करते हैं एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, इससे 1 NADH होगा तो 3 ATP आपको मिलेंगी, ये मैंने आपको पहले बता रखा। तो ये जब आपको बताया था कि तो 3 ATP आपको मिलती है NADH+ H+ को, जब आप मतलब उस इलेक्ट्रॉन ETS में लेके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाते हैं 3 ATP में, तो वहां पर आपको 3 ATP मिलती है। तो यानी यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, जब इनडायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको ATP यहाँ नहीं मिली, डायरेक्ट आपको पैसा नहीं मिला, आप कहीं पर गए, चेक लेकर गए, आप चेक लेकर बैंक गए, तो वहां पर आपको पैसे मिले, ठीक
तो यानी आप मतलब वहां पर आप चेक लेकर गए तब आपको पैसे मिले, और अगर डायरेक्ट पैसे दे दिया, आप बैंक गए तुरंत पैसे मिल गए, तो मतलब वो आपको तुरंत पैसे मिल गए, यानी डायरेक्ट आपको मनी मिल गए, डायरेक्ट एटीपी वो हुआ, समझ रहे हैं? तो ये डायरेक्ट एटीपी है, ये इनडायरेक्ट एटीपी है, ये इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन एंड ये डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। तो आपको मैंने बताया ये इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक एनएडीएच बना तो 3 एटीपी, लेकिन आपको याद रखना है वहां पर आपके पास 2 ग्लाइसरिल एल्डिहाइड फॉस्फेट थे, तो यहाँ यानी 2 एनएडीएच बनेंगे, तो यहाँ पर 3 एटीपी नहीं बल्कि आपकी एक 3 एटीपी इसकी हो जाएंगी, और ये दो है ना, ये दो है, हाँ दो है, तो यहाँ पर 2 एनएडीएच भी होंगे, और यहाँ पर 2 × 3 यानी 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब डायरेक्ट एटीपी की बात करें तो डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन में होता क्या है कि जैसे याद करिए, जब डायरेक्ट एटीपी में आपको याद रखना, जैसे कि जब आपने किया गया था कि जो आपका मतलब फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना था 1.3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, वहां से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया था, जैसे 1.3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, बहुत अजीब बात है भाई, कन्वर्ट कर दिया, तो भाई ये एक फॉस्फेट गया कहाँ, ये गया और बनाया एक एटीपी, ये बनाया एक एटीपी, तो बनेंगे कितनी एटीपी भाई, ये तो दो है ना, ये तो दो है, तो यानी एटीपी कितनी बनी, 2 एटीपी बनी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 एटीपी। और याद करिए यहाँ पे 2 एटीपी बनी, और मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए दूसरी बात, जब आपने 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड को, ऐसे मैं डायरेक्ट ऐसे मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म होता नहीं ऐसा, ऐसे मतलब कोई PEPSR जब आप करने लगे फुल फॉर्म और PEP, ऐसे मैं बना रहा हूँ यार समझाने के, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड को आपने क्या किया, कन्वर्ट किया था पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में आपने कन्वर्ट किया था, एक पारवे कैसे में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर भी आप क्या किए थे, 2 एटीपी का फॉर्मेशन किए थे, मतलब एक इससे निकाला एक दूसरे वाले से निकाला, 2 एटीपी फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे आपने 2 एटीपी बनाया, यहाँ पे आपने 2 एटीपी बनाया, तो अगर आपसे कोई पूछता है डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन बताए, तो आप बताएंगे 4 एटीपी, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन कितनी हो गई, 4, मतलब टोटल कितनी हो गई, 4 एटीपी, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन कितना हो रहा, 4 एटीपी, इनडायरेक्ट कितनी हो रही है, 6 एटीपी, बस इतना ही है आपके लिए। अब मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूँ, ये अब तो आप समझ गए, ये पूरा आप कंसेप्ट समझ गए, अगर नहीं समझेंगे तो बार बार पीछे रिमाइंड करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत कम आएगा ये। अब मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूँ, जिससे जितनी ये कहानी आपको बताई है वो आप एक चार्ट से अपनी कॉपी में उतार लीजिए, बस आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि हाँ एटीपी कितनी बनी कितनी नहीं बनी ग्लाइकोलिसिस में, उसको आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए अगर पहली बात करूं, पहली बात करता हूं, टोटल टोटल एटीपी यूज इन ग्लाइकोलिसिस, अब बार बार ग्लाइकोलिसिस में नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अब अभी एक बार लिख दिया अब बार बार समझ जाएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरी बार अभी सब एक लिखूंगा आंसर सबका, दूसरा आंसर लिखता हूँ, मतलब दूसरा मतलब टॉपिक क्या है, मतलब लाइन क्या है, टोटल एटीपी यूरिन ग्लाइकोलिसिस, दूसरा कहता हूँ डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, डायरेक्ट एटीपी फॉर्म, तीसरा लिख दिया डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है, तीसरा लिख दिया ग्रोस एटीपी फॉर्मेशन, ग्रोस एटीपी फॉर्म, ग्रोस एक मिनट टोटल लिख देता हूँ ज्यादा सही रहेगा, टोटल ग्रोस एटीपी फॉर्म, चौथा आ जाएंगे, ठीक है, चौथा लिखता हूँ इनडायरेक्ट
ये इसलिए मैं बना रहा हूँ, जैसे डायट क्वेश्चन अगर आता है तो तुरंत याद रहेगा, तुरंत बताएंगे इन डायट एटीपी कौन। पांचवा नेट एटीपी कौन, मस्त रेड पेन से इसका सभी के आंसर लिखते हैं। ठीक है, टोटल एटीपी यूज इन गाइपोलाइसिस आपको पता है भाई, अभी तुरंत बताया था, दो एटीपी डायरेक्ट एटीपी फॉर्म। डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी थी, डायरेक्ट याद करिए, तो डायरेक्ट एटीपी बनी थी हमारी 4 एटीपी, डायरेक्ट बनी थी। तो टोटल ग्रोस एटीपी फॉर्मेशन, अब ये ग्रोस का वर्ड का क्या मतलब है, ये ग्रोस एटीपी का और ये नेट का क्या मतलब है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। देखिए ग्रोस और नेट, ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत मस्त समझ में आएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल। देखिए अगर मान लीजिए आप गए किसी दुकान पर, आपने क्या किया, मतलब दुकान आप मान लीजिए आपकी खुद की दुकान है, आप क्या किए, एक जूता लेके आए 1,000 का, 1,000 का ले आए, उसको बेच दिया, मान लीजिए 1,300 में बेच दिया, तो आपसे कोई पूछता है कि आपने कितने पैसे कमाए, तो आपने कह दिया कि हाँ मैंने 1,300 रुपये कमा लिए, 1,000 के में लेके आया था, 1,300 रुपये कमा लिए। लेकिन क्या एक्चुअली आपने 1,300 रुपये कमाए, नहीं आपने कमाए हैं 300 रुपये। तो आपने नेट कितना कमाया, वो है 300 यानी 300। और आपने ग्रोसरी कितना कमाया, तो पहले जो आपने मतलब उसका जो आपने अपने खुद लगाया था वो रुपए, और जो आपने गेन किया वो रुपए यानी 1,300, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना कमाया वो है 300। तो यह है ग्रोस और नेट का कंसेप्ट। ये रफ कर देता हूँ, नहीं यार सब सोचेंगे यार ये 1,300 ETP या ये सब क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, अब टोटल और ग्रोस आपको समझ में आया, टोटल ग्रोस ETP फॉर्म, ये फॉर्म क्या है, टोटल ग्रोस ETP कितनी बनी, ये पता नहीं क्या कर देता हूँ यार मैं। ठीक है, टोटल ग्रोस ETP फिर कितनी बनी, ये आपकी 6 मतलब 4 ये हो गई। अच्छा इसके आंसर का पहले देता हूँ, देखिए इनडायरेक्ट ETP कितनी बनी थी, ये आपको याद होगा 6 ETP अभी बताया। आप देखो ये इनडायरेक्ट हो गई, ये डायरेक्ट हो गई, तो दो ही बनती है, एक तो इनडायरेक्ट ATP बन जाएगी, एक डायरेक्ट ATP बन जाएगी, दोनों फिर टोटल कितनी हो गए 6, 4, 10, तो टोटल कितनी हो गई 10 ATP बनी। लेकिन आपको याद होगा भाइयों बहनों कि नेट ATP फॉर्मेशन कितना होगा, भाई 10 ATP तो मान लेता हूँ टोटल बन गई, लेकिन दो यूज भी तो कर ली थी यार, तो नेट ATP फिर कितना हो जाएगा, आपने 10 रखा माइनस सॉरी 2 है ना, तो 2 किया उसके बाद आ गया 8 ATP। सो इट्स मीन्स दैट द ATP फॉर्मेशन इन द ग्लाइकोलाइसिस इज 8, मतलब टोटल ATP कितनी बनी, 8 ATP बन गई। तो यहाँ से एक मतलब पता चलता है कि हाँ ग्लाइकोलाइसिस में ATP कितनी बनी, 8 ATP बनी। ठीक है, तो इतने तरहों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। ये चार्ट पे एकदम रट डालो, आपको एकदम मतलब कहीं से भी मतलब क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत फिला के रख देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको जरूर बनाइएगा। विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं लिंक रिएक्शन के साथ, जो कि 11th के लिए है, 10th उसको ना देखें, मतलब अगर आपको देखना है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं उसको आप ना देखें, 10th वालों आपके लिए वो नहीं है। हाँ जिस वीडियो में अगर लिखा है फॉर 10th एंड 11th उसको आपको देखना है, और जिस वीडियो में लिखा है फॉर 11th ओनली आप 10th वाले उसको ना देखें, अगर आपको देखना है, क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर जनरल बेसिस के लिए आपको मतलब अगर आपको मन हो, ठीक है, आपको जानने की इच्छा हो तो देख सकते हैं, वरना आपके 10th में उतना नहीं रहेगा। लिंक रिएक्शन आपके में नहीं दी है, लेकिन मैं मतलब 10th और 11th दोनों का कोर्स कंप्लीट कराने की मतलब रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, तो रेस्पिरेशन में मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो दोनों का कवर करा देता हूँ। तो 10th 10th के लिए जो होगा वो मैं बता देता हूँ, 11th के लिए जो होगा वो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं लिंक रिएक्शन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।